नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। अब हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। अब पंचायतों को मिलेगा टैक्स वसूलने का अधिकार। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब लगभग हर दिन एक नया अपडेट हमारे सामने आ रहा है। प्रदेश में 8386 पंचायतों में अप्रैल से मई के बीच में चुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव के तारीखों का कोई ऐलान नहीं किया गया है। इधर पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब ग्राम पंचायतें भी अपने दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर टैक्स लगाएगी, इसकी वसूली करेगी। आपको बता दें कि अगले 3 महीने में पंचायतों में नई सरकार का गठन होना है। नई सरकार अपने क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि चलाने वालों से टैक्स वसूलेगी, इसके लिए नियमावली बनाई जा रही है। इधर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि महिला सशक्तिकरण लागू करने वाली एनडीए सरकार अब पंचायतों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें टैक्स वसूलने की शक्ति देगी। नियमावली में दर्ज होगा कि पंचायतों में किन किन क्षेत्रों में टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाए। पंचायती राज मंत्री की माने तो पहले चरण में तय हुआ है कि खेती किसानी में लगे वाहनों को टैक्स की छूट रहेगी। बालू गिट्टी ईंट ढोने वाले ट्रैक्टर ट्रक और कॉमर्शियल गतिविधि से जुड़े स्कॉर्पियो बोलेरो वालों को टैक्स देना होगा। इधर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि पंचायतों को टैक्सेशन पावर देने के लिए नियमावली बनाई जाएगी। चुनाव बाद सभी पंचायतों को जल्द से जल्द अधिकार मिलेंगे, इसकी कार्रवाई भी शीघ्र शुरू की जाएगी। इधर प्रदेश मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि यहाँ की पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में टैक्स लेने का अधिकार नहीं है, जबकि उनको इसका बाकायदा संवैधानिक अधिकार है। इससे भी हद यह है कि सिर्फ नियमावली नहीं बनने से यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। 1 साल पहले सरकार की तरफ से पंचायतों को सैरात व बाजार से टैक्स लेने को कहा गया, मगर सैरात यानी कि खासकर जो जलकर हैं, जहां पे जल को लेकर सबसे ज़्यादा काम होता है, इसको फिशरी को दे दिया गया। बन रही नियमावली इन पर भी लगेगा टैक्स, यानी कि आगे जो नियमावली बन रही है टैक्सों को लेकर, उसमें किस तरह से टैक्स लिए जाएंगे उसको लेकर जानकारी दी गई है। खेती से अलग जो ट्रैक्टर और ट्रक होंगे उन्हें 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया देना होगा। उसके बाद कॉमर्शियल जो 4 चक्के वाहन हैं उन्हें प्रति माह 100 रुपये देना होगा। खेती के सामान को छोड़कर अन्य जितने भी दुकानदार हैं उन्हें भी 100 रुपये देना होगा। नल जल के उपयोग करने वाले लोगों को, जैसा कि पहले भी खबरें आती रही है, 30 रुपये देना होगा। उसके बाद मोबाइल टावर लगाने वाले घर, जिनके घरों पे मोबाइल टावर लगा हुआ है, उन्हें भी 100 रुपये देना होगा। अब हम बात कर लेते हैं बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव के तारीखों के ऐलान को लेकर। तो बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में महीने भर की देरी हो सकती है। तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग वह मार्च के अंतिम सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं कर सकता। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से M3 जनरेशन की EVM खरीद को लेकर अब तक राज्य निर्वाचन आयोग को NOC नहीं दिया गया है। इसके बाद पंचायत चुनाव में यह देरी हो सकती है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग M3 जनरेशन की EVM की खरीद के लिए भारत निर्वाचन आयोग से NOC की मांग कर रहा है। इसके लिए उसने भारत निर्वाचन आयोग को कई बार पत्र भी लिखा है। हालांकि यह मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है और राज्य आयोग NOC पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है, लेकिन इन सब के बीच कार्यालय स्तर पर दोनों आयोगों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। पंचायत चुनाव के लिए अंतिम वोटर लिस्ट का भी प्रकाशन कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जिन वोटरों के नाम अभी भी लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं उनके लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका अभी है। प्रपत्र घ भर कर हुए मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बिहार और बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव के और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।